नमस्कार, मैं बलजी ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं पिनेकल कोचिंग सेंटर की तरफ से। आज हम डिस्कस करते हैं पेपर फोर एसएससी। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी ने चार पेपर है वो किए हुए हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। जो दो पेपर होते हैं टायर टू में, टायर टू की बात कर रहा हूं मैं, मैथ और इंग्लिश, वो सभी के लिए कंपल्सरी होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है उनके लिए पेपर फोर होगा इंग्लिश और मैथ पेपर के अलावा। अगर मैथ का पेपर 200 मार्क्स का है, इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का है, तो ये पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। एक तो ये बात होगी। हम इसके बारे में आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आवर्स का एग्जाम होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी वैकेंसी है इसकी, पिनेकल क्या कर रहा है इसके लिए, और आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर तैयारी करनी है तो किस तरह स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए और कितना टाइम तैयारी में लग सकता है, ये सारी बातें हम लोग इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि ये जॉब है क्या, तो ये जॉब इस पे बैंड में आती है 9,300 to 34,800 ऑफिसर बी ग्रेड ग्रुप बी क्लासिफिकेशन अगर हम बात करूँ मैं, और 4,800 पे ग्रेड है, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 56,000-57,000 पर मंथ है इसकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एक अच्छी जॉब में से है। 30 इयर्स इसकी एज, जैसे आपने जब अप्लाई किया होगा तो उन स्टूडेंट जिनकी 30 इयर्स तक एज थी जनरल कैटेगरी में, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलेक्सेशन होती है उसको आपने देखा होगा। तो जो स्टूडेंट इस साल तैयारी कर रहे हैं, अगले साल के भी बारे में थोड़ी लंबी स्ट्रेटजी भी अपना रहे हैं, इस जॉब पे एक फोकस किया जा सकता है। एक अच्छी जॉब बोल इस लिहाज से बोल सकते हैं कि एक ग्रेड अच्छा है, गजेटेड ऑफिसर है, सैलरी अच्छी है, और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो MBA करते हैं, MCOM करते हैं, BCOM करते हैं, यहां तक इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया है, क्योंकि इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था। और इसका सिलेबस है वो अलग अलग डाइवर्सिफाई है, कंपैरेटिवली इसका सिलेबस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्वाहिश होती है कि मैं ऑडिट से रिलेटेड जॉब करूं, स्पेशली जिनका MCOM BCOM या MBA किया होता है। तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट जॉब और ऑडिट डिपार्टमेंट में, और वो भी कंस्टिट्यूशनल बॉडी कैग, हाईली रेपुटेड बॉडी, जब आप किसी को बताएंगे कि मैं कैग में काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब जबरदस्त उसके दिमाग में जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है मैसेज आता है कि वो कैग में काम कर रहा है, ऑडिट ऑफिसर है। तो एक अच्छा जॉब के रूप में आप इसको देख सकते हो, सैलरी वाइज भी, रेपुटेशन वाइज भी, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से उस एंगल से भी। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर इन द स्कीम ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये पहली बार मेरे ख्याल से पहले होता था, लेकिन कई साल के बाद आप बोल सकते हैं कि इसको रखा गया है इस जॉब को। और वैकेंसी आमतौर बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है इसकी, तो 1000 वैकेंसी है। जैसे एक मेरी जो प्रेजेंटेशन है जॉब इश्योर, उसमें इस पर मैंने कुछ डाला था वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसी लेटर मैंने डिस्कस किया था। मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन नंबर ऑफ वैकेंसी पर नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इतना मैसेज दे रहा हूँ कि 1000 वैकेंसी जो काफ़ी ज़्यादा है वैकेंसी, और 3800 अगर कोई टोटल अभी वैकेंसी दिखाई जा रही है, उम्मीद करते हैं कि ये 8000 या 10000 वैकेंसी टोटल चली जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है वहाँ पे जीरो दिखा रहा है, जैसे कि एक्साइज है, प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव ऑफिसर है, वहाँ पे आमतौर पर जीरो वैकेंसी वहाँ पे होती नहीं। तो ऑब्वियसली क्या है कि जनवरी के बाद SSC को जो नई लिस्ट मिलेगी तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ती है तो आप बोल सकते हैं कि 1000 पे जिसने दांव लगाया उसका दांव बहुत ज्यादा सक्सेस होने की संभावना होगी, क्योंकि कंपटीशन है वो इस दिशा में फिर चला जाएगा। अच्छा, एक बात और भी मैं जो मेरे दिमाग में है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस जॉब के बारे में अभी तक पता नहीं, या वो हेजिटेट कर रहे हैं, या क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी किताब या कोचिंग ज्यादा आमतौर पर होती नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से, और पहली बार है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी शायद तैयारी भी नहीं करें, बिना तैयारी के जाएंगे और ये पेपर जरूर भरा हुआ है। तो जिन लोगों ने हल्की सी भी तैयारी की और अगर 60% भी स्कोर उन्होंने कर दिया इस पेपर में, तो मुझे लगता है कि वो लगभग लगभग इस जॉब के नज़दीक पहुंच गए हैं, और ये आसान टारगेट है
वो सिर्फ इस बार होगा, क्योंकि जब अगली बार लोगों को पता चलेगा कि ये जॉब इतना लेना मुश्किल नहीं है, तो आगे फिर हमेशा कॉम्पिटिशन होगा। तो ध्यान रखिए, जिस कोई भी क्वालिफिकेशन हो, जिन लोगों ने भी भरी हो, इन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये मत देखना आपका कि कॉमर्स बैकग्राउंड है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, या कोई और बैकग्राउंड है। इसके लिए सारे लोग एलिजिबल थे, और जिन्होंने भरी है जिस ये पोस्ट, वो जरूर इसकी सीरियसली तैयारी कर सकते हैं, अगर उनके पास 1 से लेकर 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है मैथ इंग्लिश के अलावा। तो अगर नहीं टाइम है तो थोड़ा जरूर सोचे कि इसकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है यस में, तो फिर सीरियसली करें, और नहीं में डिसाइड किया है तो फिर बिल्कुल इसके बारे में भूल जाएं। आपको फैसला लेना होगा यस और नो में, ये नहीं थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, इस थोड़ी बहुत से आपका सिलेक्शन होगा नहीं, और मैथ और इंग्लिश से भी आपे नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा डिसीजन ले, इस पर कंक्रीट डिसीजन ले और सीरियसली तैयारी करें। जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, और मेरा ये आपको एडवाइस है कि आप इसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, एमबीए हो, एमकॉम हो। सिलेबस इसका मुश्किल नहीं है, 1 से 2 घंटे अगर डेली लगाएंगे तो आप करेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, तो आप भी शायद जान जाओगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये SSC की टोटल स्कीम है, ये Tier 1 की स्कीम थी, उसके बाद ये SSC का जो नोटिफिकेशन, उसी की मैंने कट आउट लिया है। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें आपको पेपर 1 और 2 के अलावा, जो मैथ और इंग्लिश है, इसके अलावा जो 4 हैंड मार्क्स का होता है, एक फोर्थ पेपर होगा जो कि 4 हैंड मार्क्स का होगा। आप बोल सकते हैं कि Tier 2 के टोटल 600 मार्क्स होंगे। तो जिन बच्चों ने Tier 1 के होते हैं 200 मार्क्स, जैसे आप जानते हैं 200 प्लस 600 टोटल 800 मार्क्स होंगे। जिन बच्चों ने रीजनेबली 110 या 120 के आसपास भी स्कोर किया है Tier 1 में, और उनका क्वालिफाई होता है, तो अगर उन्होंने 600 पे भी अगर फोकस कर लिया, तो हो सकता है उनकी जॉब उनसे ज्यादा बेटर आसानी से लग जाए जिन्होंने 160 प्लस भी स्कोर किया है, और वो मान लो वो इस जॉब की, इस पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी संभावना हो सकती है। बस शर्त है कि अगले 2 महीने आपका फोकस किताबें ढूंढने में नहीं होना चाहिए, उन लोगों की गप्पे सुनने में नहीं होना चाहिए, फेसबुक पे नहीं होना चाहिए आपका फोकस, व्हाट्सएप पे ज्यादा दिमाग खराब ना करें, आपका फोकस सिर्फ तैयारी में हो और आपके पास रेलेवेंट कंटेंट हो, ये जॉब आपको मिल सकती है। 600 मार्क्स Tier 2 आपको फिर होंगे, वरना जो इसकी तैयारी नहीं करेंगे वो 400 पे फोकस रखें। 400 है, उसमें से 350 जैसे मैंने बताया उसमें स्कोर करें, और अगर ये भी जो कर रहे हैं तो अगर उनकी थोड़ी मेरिट नीचे डाउन आ जाती है, लेकिन इसमें अगर अच्छा स्कोर कर देते हैं, जैसे 200 मार्क्स में अगर वो 60% करते हैं, मुझे लगता है 60% एक अच्छा स्कोर होगा, 60% काफी अच्छा स्कोर होता है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, 55-60%। जैसे आपने नोटिफिकेशन, ये मैं नोटिफिकेशन ले रहा हूं, उस टाइम में लिखा गया था कि नोटिफिकेशन में बताएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। अब वो नोटिफिकेशन आ चुका है, और वो कब आया था, जब ये Tier 1 की डेट अनाउंस हुई थी ऑनलाइन एग्जाम में, उसमें उन्होंने सब कुछ बताया था। हम वो सिलेबस भी आप आगे देखेंगे कि क्या होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स रिलेटेड। तो 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, और ये आपको इसका मतलब जो मैथ और इंग्लिश का एग्जाम होगा उससे आमतौर पर 1 दिन पहले होगा या बाद में होगा। अब यह है सिलेबस, 200 मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया, 80 मार्क्स इसमें फाइनेंस और अकाउंट्स होगा, और जो पार्ट बी है वो 120 मार्क्स का होगा, मतलब इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस आएगी। जो ये वाला पोर्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जब Tier 1 की तैयारी की होगी उस टाइम में ये शायद पढ़ा होगा, ये वाला आपने शायद नहीं पढ़ा होगा 80 मार्क्स वाला, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बेसिक अकाउंटिंग है वो फॉलो करनी। आप बोल सकते हैं कि लगभग ग्रेजुएशन टाइप का सिलेबस होगा ये, कोई बहुत ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन या हाईली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं हो रहा हाई लेवल का, कुछ भी मैथमेटिक्स रिलेटेड नहीं होगा ये सिर्फ जनरल चीजें होंगी, ये अकाउंट से लेकर थोड़ा बहुत जो बेसिक न्यूमेरिकल वो हो सकते हैं, फंडामेंटल। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूं पढ़कर, जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको फैसला करना है, करना है तो सीरियसली करना है, नहीं करना है तो बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल जाओ करते इसको, खिचड़ी नहीं बनाकर रखनी जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है,
जिन्होंने एमबीए किया होगा, ऑब्वियसली वो जब ये मैनेजरियल पढ़ते हैं अकाउंट्स फाइनेंस रिलेटेड, तो पहले चैप्टर में वो फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ी होगी उन्होंने। नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए जाते हैं, ये एक बेसिक जानकारी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकंसाइलेशन, जर्नल, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ट्रेड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हो सकते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, डिस्ट्रिक्शन बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये शायद आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में भी। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कौन सी होती है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स कौन से होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है, बहुत बेसिक सा सिलेबस मैं इसको बोलूंगा और ये बहुत जल्दी ही खत्म किया जा सकता है। जिनको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा उसको, और जिनको ज्ञान नहीं है उसको 15 दिन में इसका सिलेबस ज्यादा है नहीं। 80 मार्क्स का ये होगा। आप बोल सकते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे, आगे स्कीम बताई हुई है कि 100 क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस पेपर में टाइमिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा कि 100 क्वेश्चन 2 आवर्स टाइम मोर देन एनफ। अगर आता है तो आप आंसर देने, नहीं आता है तो आपको नहीं आएगा, टाइमिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। दूसरा है पार्ट टू में जो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, जिसमें कि आपने जरूर पढ़ा होगा, कैट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, कंस्टिट्यूशनल बॉडी जो आपने पढ़ी होगी, इंडियन पॉलिटी में पढ़ी होगी आमतौर पर ये, क्योंकि पॉलिटी और इसका कम्बिनेशन होता है, पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है उससे रिलेटेड आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, और कैट के बारे में वैसे पढ़ा होगा, अखबार में काफ़ी आता था, यूपी गवर्नमेंट उस टाइम में होती थी तो विनोद राय एक बहुत ही सख्त कैट ऑफिसर जो इसके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वो काफ़ी फेमस थे, और कुछ कंट्रोवर्सी भी होती थी। तो एनीवे कैट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन है दोनों कंपैरिजन होता है, और ये इंडियन पॉलिटी में आपने जरूर पढ़े होंगे। ये मोर ओवर गवर्नेंस से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें डिटेल में नहीं होती, लेकिन आपको इतनी डिटेल भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, मुझे लगता है ये 1 घंटे के भी टॉपिक होंगी मैक्सिमम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स आमतौर पर एसएससी में आती है वो पढ़ी होगी, डेफिनेशन स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, थ्योरी एंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शलियन अप्रोच कौन सी होती है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कौन सी होती है, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई। इतना बड़ा सिलेबस नहीं, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस सिलेबस के जरिए, तो आप बोल सकते हैं ये भी कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, आसान सा सिलेबस है। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मीनिंग ऑफ एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन डिफरेंट मार्केट्स, वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होती है, प्राइस डिटरमिनेशन इन दीज मार्केट वो कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने जरूर पढ़ी होगी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आप तैयारी कर रहे होंगे इसकी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अगर नहीं पढ़ा है तो भी ये कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस होना नहीं है। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर, उनका क्या रोल है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कौन कौन से हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये प्लस टू की जो एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी है वो एग्जैक्ट सिलेबस यही है। पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ, इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पुअर्टी, टाइप क्या है, कॉजेज एंड इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये टॉपिक है, ये लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिन लोग जो कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं सब में आते हैं, लिबरलाइजेशन क्या, प्राइवेटाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या, मल्टी इन्वेस्टमेंट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी से रिलेटेड। मनी एंड बैंकिंग,
मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, रोल ऑफ फंक्शन एंड रोल एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक आरआरबी और पेमेंट बैंक है वो क्या होते हैं, बजट एंड फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो लोग बैंक पीओ लगे हुए हैं, बैंक में लगे हुए हैं, क्लर्क लगे हुए हैं, कोई भी पोस्ट पर लगे हुए हैं, उनको काफ़ी हो सकता है आसान सिलेबस में ये लगे क्योंकि ज़्यादातर वो डे टू डे लाइफ में ये डील कर रहे होंगे और वो अकाउंट्स में जरूर डील कर रहे होंगे, तो सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा नज़दीक मानेंगे सिलेबस को। और ये लोअर लेवल सिलेबस ये है जहाँ तक ग्रेजुएशन भी नहीं, आपको देखेंगे प्लस टू का ही ये सिलेबस है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमी फोर्थ चैप्टर होगा, फोर्थ चैप्टर है इसका शायद मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिकल एनसीईआरटी में, तो आप ये जरूर वहाँ पे भी देख सकते हैं। वरना जो हमारे नोट्स हैं उसमें हर चीज़ एक एक चीज़ हमने कवर की हुई होगी और वो डे वाइज सिलेबस होगा जिससे कि आपका रूटीन बने, आपको पता चले कि मुझे आज ये करना है, आज फिर मेरा टेस्ट होगा, आज मुझे ये करना है, आज फिर मेरा टेस्ट होगा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आप तैयारी करें और एक दो घंटे में भी आप इसको एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करने की क्षमता रख सकते हैं क्योंकि इसमें फिलहाल इतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना कि मैथ और इंग्लिश वाले पोस्ट में होगा। बजट एंड फिजिकल डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर आता है इसका आखिरी टॉपिक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRBMA एक्ट जिसको बोलते हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। तो ये सारा सिलेबस इसका मुझे लगता है बहुत ही बेसिक सिलेबस, प्लस टू लेवल का सिलेबस है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस सिलेबस पर फोकस किया जा सकता है और हम इस पर भी पूरा अच्छी तरह से सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं और डिवाइस सिलेबस भी बना रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि SSC के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें कहां कहां पे इसका जिक्र हुआ होगा। तो कैंडिडेट में रेफर टू द रिवाइज स्कीम ऑफ कंबाइंड लेवल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, जब ये अपलोड हुआ, जब ये हम देख सकते हैं कि जब ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड है तो उसमें इस पर चर्चा थी कि जो टायर वन और टायर टू का सिलेबस है ऑब्वियसली वो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये थर्ड जो एग्जाम होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। और ये सिलेबस जो डिक्लेयर हुआ था ये सिर्फ मैं नोटिफिकेशन की कुछ एक कॉपी आपके सामने बता रहा हूँ कि ये क्या है कंप्यूटर बेस्ड, उस नोटिफिकेशन में इसका जिक्र है। तो देखिए टायर पेपर थ्री वुड बी ऑन द सॉरी पेपर फोर हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपर फोर will be for those candidate who have applied for the post of assistant audit officer in CAG. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आपने अप्लाई किया होगा क्योंकि क्वालिफिकेशन ऐसा कोई बैरियर था नहीं इसमें। द सेट पेपर वुड कंप्राइज टू पार्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट जैसे हमने अभी देखा, 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होगा। तो अभी जो स्कीम है वो उन्होंने डिसाइड कर दी है 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होंगे पहले पार्ट ए में जो अभी बताया गया था, और इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस वाले जो पोर्शन होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 120 होंगे। ये जो है वो उस टाइम में डिस्कस नोटिफिकेशन में आ चुका था जब SSC ने ऑनलाइन टेस्ट की घोषणा की थी, उस नोटिफिकेशन में इसके बारे में जिक्र है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने देखा होगा, ज्यादातर स्टूडेंट इस बात पर देखते नहीं, दूसरों से सुन लेते हैं। इन ऑल देयर वुड बी 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, 200 मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि आप लोग मैथ में भी यही देखेंगे, मैथ में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 0.5 मार्किंग। लेकिन मैथ में टाइमिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू हो सकता है, इसमें टाइमिंग इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं होगा, इसमें आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप गलत या फिर नहीं कीजिए, उसी में भलाई होगा। और दो घंटे का ये 2 आवर्स का पेपर होगा। तो ये था स्कीम के बारे में, वो हमने सिलेबस बताया, फिर उसके बताया कि इसकी कितनी सैलरी हो सकती है, कौन से ग्रेड में आता है और कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे हैं और मुझे भी फोन कर रहे हैं और कुछ एक उनकी एक बड़ी अजीब सी क्यूरी होती है पेपर थ्री से रिलेटेड। कई लोगों का बोलना कि क्या अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, तैयारी तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले आप टायर टू में अच्छी तरह से स्कोर कीजिए, वरना टायर थ्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने खाम खाम तैयारी कर ली इसकी। नंबर वन, टायर थ्री से रिलेटेड थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। Has been introduced with effect from CGLE 2016, which would be descriptive type of 100 marks in pen and paper mode. लिखना है आपको जैसे आप स्कूल में लिखते थे वैसे। The duration of the paper would be 1 hour. एक घंटे में का पेपर होगा, ये बहुत बेसिक पेपर होगा। This paper has been introduced to assess the writing skills of the candidate. ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और लाइन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे हैरानी होती है, कईयों ने किसी को मिसगाइड कर रहे हैं कि आप हिंदू पढ़िए पेपर थ्री के लिए, योजना पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए,
आपको डिफरेंट टाइप के न्यूज चैनल देखने हैं, हद हो गई है। तो भाई आप राइटिंग स्किल्स के लिए आप कर क्या रहे हैं? क्या वो जो लेटर लिखना है किसी को उसके लिए ये राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर दिया है या आपका ज्ञान बढ़ाना है? योजना में तो ज्ञान होता है, वो आईएएस के जो मेंस पेपर होते हैं उसमें योजना का कुछ सिलेक्टिव पर्सन यूज होता है, सारा थोड़ी होता है। तो आप अगर अभी योजना में फोकस कर दिए तो आपकी योजना बनाने की जरूरत नहीं है, खुद योजना बन चुकी है, आप घर पर बैठिए, फिर बेरोजगारी का एक साल और जाएगा क्योंकि आप गलत मिसगाइड हो चुके हैं। यहां पर राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। टायर वन में आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, टायर टू में नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, और जो एसएससी को चाहिए था नॉलेजेबल स्टूडेंट्स वो टायर थ्री में पहुंच चुके हैं। अब आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वहां पे ईमेल लिखनी होती है, वहां पे लेटर पर कई बार लिखने होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले होते थे, मैथ अच्छा होता था, इंग्लिश अच्छी होती, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, तो काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। बड़े ऑफिसर बहुत दिक्कत भी महसूस करते थे कि हमारे जो स्टाफ है नीचे उनको ईमेल तक लिखनी नहीं आ रही, और जब वो पब्लिक में उनकी ईमेल जाती है तो वहां पे कई बार हम देखते हैं कि वो कई स्पेलिंग गलत है या उसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा ऑफिसर के सामने एक चिंता होती थी। तो ये स्किल, ये पेपर को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये राइटिंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा है। और ऑब्वियसली एसएससी को यह फायदा हुआ कि जब तीन स्टेज होगी तो जो अननेसेसरी स्टूडेंट्स माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते थे वो शायद अब ना हो, क्योंकि उनको ये डर लगेगा कि भाई वो राइटिंग स्किल्स कहां से कैसे करेंगे। विच इज नेसेसरी इन द गवर्नमेंट जॉब, पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ एन एसे, आपको एसे लिखना है या पैसेज लिखना है, जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक पे। इसके लिए आपको ग्रेट नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में इतना नॉलेज हर किसी को होता है कि वो नॉलेज इतना मुद्दा नहीं होगा। जब इतने आप इस लेवल की थर्ड स्टेज पे पहुंच गए, तैयारी करके आए हैं, तो इतना लेवल मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा होगा कि आप क्या राइटिंग कर सकते हैं क्या। एक बहुत नॉलेजेबल इंसान को जरूरी भी है राइटिंग कर दे, और एक एवरेज इंसान है जिसको राइटिंग ठीक है तो वो लिखने की एबिलिटी जरूर हो सकती है। तो यहाँ पे एबिलिटी ऑफ राइटिंग है वो उसका टेस्ट होगा, किसी नॉलेज का हिंदू पढ़ने वालों का टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और कब पढ़ना चाहिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, कि आपके पास दो महीने में आप 200 मार्क्स का मैथ हो उसमें अच्छा स्कोर कीजिए पहले, और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कीजिए आपको, और वो आप अननेसेसरी सिर्फ किसी ने बोल दिया सारे लोग उसके पीछे पड़ गए कि आप ये पढ़िए, उस रेट रेस में आप न जाएं, प्रोफेशनल स्टडी करने की कोशिश करें। दूसरा होगा लेटर राइटिंग, जैसे आप छोटी क्लासेस में हेडमास्टर को लिखते थे, प्रिंसिपल को लेटर लिखते थे, तो ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं, ऑफिस गवर्नमेंट जॉब लग रही है या गवर्नमेंट जॉब है, तो वो अपने से ऊपर वालों को लेटर लिखता है या अपने नीचे वालों को लेटर लिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिसर है तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकता है, और ये लेटर है बेसिक लेटर होते हैं, सिंपल लैंग्वेज वाले लेटर होते हैं, कोई आपको बहुत ग्रेट अंग्रेजी की जरूरत नहीं होती। ये लेटर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अरब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लेटर राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पता होना चाहिए, लेटर का फॉर्मेट और राइटिंग स्किल्स, और इसके लिए आपको कोई ग्रेट चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फोकस इस मुद्दे पर ही होना चाहिए, क्लियर, राइटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स एप्लीकेशन राइटिंग। तो ये आपको सिर्फ एक घंटे का एग्जाम है, और एक घंटे एग्जाम एक लेटर राइटिंग हो सकता है, एक एसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग हो सकती है, और हो सकता है कोई प्रेस राइटिंग हो, उसी में से दिया हुआ है। अगर नॉलेज चेक करना होता है उसमें क्यों देते, तो आपको एक पैराग्राफ में नीचे उसको लिखना है कि कैसे मैं इसको बेटर राइटिंग में कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली ध्यान रखे कि राइटिंग का टेस्ट है, कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अननेसेसरी गुमराह मत हो, गुमराह करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती मार्केट में, और गुमराह करने वाले स्टूडेंट डर के मारे बहुत ज्यादा गुमराह हो जाते हैं। तो अभी आपको इस पेपर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जब आप ये आपका ये हो जाए तो आपके राइटिंग स्किल्स है उस पर ध्यान देना है, और फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस का ये एग्जाम है वो ज्यादा होगा, ज्ञान बढ़ाने का एग्जाम नहीं है। न्यूज चैनल, जी टीवी, एनडीटीवी और पता नहीं क्या क्या देखना, नॉवल पढ़ना, इन बातों पे ध्यान टाइम खराब मत कीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर थ्री वुड बी 30%, और इसमें एक बात और होगी, ये पेपर की मेरिट काउंट होगी, लेकिन जिसके 33% नहीं आएंगे, मतलब जिसकी राइटिंग स्किल बहुत खराब होगी तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा मैथ है लेकिन राइटिंग में उसको चार लाइनें लिखनी नहीं आ रही,
या इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर लिया उसने किसी कारण, लेकिन राइटिंग स्किल्स भी नहीं आई उसको, ग्रामर होना अलग बात है और राइटिंग होना अलग बात, और ये राइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकती है, आप हिंदी में कर सकते हैं इंग्लिश में भी कर सकते हैं पार्ट इन हिंदी, और लेकिन अगर आप आधी हिंदी यूज करते हैं आधी इंग्लिश यूज करते हैं खिचड़ी बनाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, मुझे लगता है इंग्लिश में ज्यादा आसान भी हो सकती है अगर आप ये इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, बाकी आपको खुद को डिसीजन लेना होता है ये हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन आपको फॉर्मेट पता है तो हिंदी या इंग्लिश शायद ज्यादा बेटर ना हो, आप जिस राइटिंग में लिखना चाहे उतने ही वो काफी है। तो टायर वन की भी मेरिट में काउंट होगा, टायर टू भी काउंट होगा, टायर थ्री भी काउंट होगा, लेकिन टायर थ्री में 33% नहीं आए तो आपका बोरिया बिस्तर बन जाएगा चाहे आपने कितना ही टायर टू में स्कोर किया हो। राइटिंग स्किल्स मोस्ट इंपोर्टेंट, राइटिंग ही मेन मुद्दा होगा, एक घंटे में दो तीन चीजों पर ही राइटिंग करनी है, तो ग्रेट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, राइटिंग पर ध्यान दीजिए और वो बाद में आप कर सकते हैं। हालांकि आप बोलेंगे राइटिंग स्किल नेचुरल होती है, माना नेचुरल होती है, लेकिन कुछ एक शार्पनेस लाई जा सकती है। दिस क्वेश्चन इन दिस पेपर वुड बी ऑफ प्लस टू स्टैंडर्ड। कुछ स्टूडेंट मेरे बोलने के बावजूद भी काफी बोल रहे हैं कि वो एग्जाम कब होगा, जब मैंने उसमें बताया एक तो टायर वन टायर टू टायर थ्री सभी का स्कोर काउंट होगा, और ये जो नवंबर में टायर टू का एग्जाम होगा और टायर थ्री का एग्जाम है वो जनवरी में होगा और लास्ट वीक अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये एसएससी की है तो आप इस पर ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन में है को मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। फिर है कि पिनेकल क्या कर रहा है, पिनेकल कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया सिलेबस डिस्कस किया उसका, टायर थ्री तो सिर्फ मैंने आपको बताया वरना टायर थ्री के लिए अलग से टेस्ट सीरीज होगी, उस पर टेस्ट सीरीज पर डिस्कशन होगा और टेस्ट सीरीज वेल स्ट्रक्चर्ड होगी और राइटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, टेक्निक क्या होती है, सारी डिस्कस हम टायर थ्री में करेंगे, लेकिन अभी टायर टू की बात हो रही है, पेपर फोर की बात हो रही है, तो पेपर फोर के लिए जो हमने कोर्स डिजाइन किया है वो 50 डेज का कोर्स होगा, डे वाइज सिलेबस होगा जिससे कि आप सिलेबस पढ़े, पीडीएफ फॉर्मेट होगा, इसमें वीडियो लेक्चर का ये वो नहीं है कोर्स, हालांकि हम कुछ वीडियो लेक्चर जरूर बनाएंगे इस पे, लेकिन ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है, वीडियो लेक्चर उसका एक्स्ट्रा पार्ट हो सकता है, पीडीएफ एक्चुअल में इनफैक्ट ये कोर्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा, आप उसको पढ़िए और शाम को टेस्ट दीजिए, एक से दो घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। डेली टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, फुल लेंथ 20 टेस्ट होंगे इसमें, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन भी, जो पोर्टल है उसमें आपने जो पिनेकल की टेस्ट सीरीज खरीदी होगी या जो वाकिफ है पिनेकल से तो आप जानते होंगे कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उसके साथ भी अटैच करते हैं पीडीएफ क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन, ताकि अगर कोई पीडीएफ क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन भी यूज करना चाहे तो वो कर सकता है। कई बार टेस्ट पोर्टल में पेपर नहीं देना चाहते तो वो ऐसा भी कर सकता है। PDF solution will also be uploaded in the test portal. और ये जो PDF है हम लोग मैथ और इंग्लिश का भी देते हैं सर, जैसे कि आप सब जानते होंगे, जिससे कि अगर किसी को डाउनलोड करके यूज करना हो तो वो कर सकता है। एक से दो घंटे की स्टडी मेरे ख्याल में डेली काफी होगी इसके लिए, वेरी हाई चांसेस होंगे सक्सेस के लिए, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली, और स्टूडेंट इतने तैयारी नहीं करेंगे जितने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होगा। 2500 इसकी फीस है पूरे कोर्स की, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, फुल लेंथ 20 टेस्ट, और सिर्फ कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ उसकी 800 फीस है। कहाँ पे ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ssccglpinnacle.com, वहाँ पे जाकर आपको ऐसी साइट नजर आएगी ssccglpinnacle.com, वहाँ पे ये टेस्ट पोर्टल, अगर किसी को टेस्ट पोर्टल के बारे में पता नहीं है इस पर क्लिक करेंगे वो आपको टेस्ट पोर्टल पर ले जाएगा, वहाँ पर आप लॉग इन करेंगे तो आपको लॉग इन करने के बाद टेस्ट दे सकते हैं। इसमें अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन करना है यहाँ पे कर सकता है, हार्डवेयर कोर्स यहाँ पे कर सकता है, जो भी शोर यहाँ पे कर सकता है, और 80 टेस्ट है जो बिना वीडियो एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे कर सकता है, और अगर किसी को 80 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन करना है तो वो यहाँ पे कर सकता है ये 80 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, और जिसको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है कौन सा प्रोग्राम जो AAO का है, अगर फुल ज्वाइन करना है तो ये है, और उसके बाद अगर उसको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है क्योंकि इसमें तो टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है तो ये वो ज्वाइन कर सकते हैं। 800 फीस, 2500 रीजनेबल फीस। तो ये था कि हम पिनेकल अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं जो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो अपनी तरफ से खुद तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कभी भी इस अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत कम आती है, उसको मिस मत कीजिए। एक 1000 जॉब है, अगर आप 1 or 2 hours निकाल सकते हैं
तो उसको जरूर तैयारी कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.